Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. Today is 14 June. In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale welcomes you all. तो ये आज का जो करंट अफेयर्स डिकोडेड का डेली हम लोग क्वेश्चन ये जो एनालिसिस लेते हैं न्यूज़पेपर का, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. जो कल से न्यूज़पेपर आएंगे, दैट इज़ फ्रॉम 15th जून ऑनवर्ड जो न्यूज़पेपर आएंगे, वी आर गोइंग टू टेक द एनालिसिस ऑफ दैट न्यूज़पेपर्स इन अवर अपकमिंग करंट अफेयर्स डिकोडेड बैच. दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 21st ऑफ जून. तो उसमें वीकली वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर बैच एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑल द न्यूज़पेपर्स दैट आर कमिंग इन दैट पर्टिकुलर वीक एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक. एवरी संडे वी आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर सेशन एंड डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच यू विल गेट टू नो इन टूडेज वेबिनार दैट इज गोइंग टू बी एट द 6 PM ऑन द फेसबुक लाइव. तो सी यू देयर. आज का पर्टिकुलर जून 14 का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं. देखो द न्यूज, फर्स्ट न्यूज इज कंटिन्यूइंग विद द इम्पासेस विद द नेपाल. तो यस्टरडे दोज हु हैव अटेंडेड द यूट्यूब वेबिनार दे वुड हैव सीन द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंडियन बॉर्डर्स इन डिटेल. तो यहाँ पे हम लोगों ने भी मैंशनड अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ लिपुलेखा एंड कालापानी. तो नेपाल इज टेकिंग इट्स ओल्ड स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट इंडियाज पोजिशन. अभी इन दोनों में चीज़ क्या है, तो इंडिया इज सेइंग दैट पर्टिकुलरली द रीजन बिलोंग्स टू इंडिया. नेपाल के पास सेम कहना है, बट द पॉइंट इज दैट नाउ नेपाली गवर्नमेंट हैज इन इट्स ओन पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द न्यू मैप. तो इससे क्या होने वाला है, इन कमिंग पीरियड ऑफ टाइम द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर गोइंग टू बी स्ट्रेंड. तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं. देखो यहाँ पे प्रीलिम के एस्पेक्ट से आपको दो तीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ने को मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम इज कॉल्ड एज जनजीवन मिशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बिकॉज इन 2019 दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज अनाउंस एंड दिस स्कीम इज टारगेटिंग टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024. मतलब क्या है, तो इफ़ यू कंपेयर विद द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, अर्बन एरिया में मोस्ट ऑफ द हाउस गेट अ कनेक्टिविटी ऑफ प्राइप ड्रिंकिंग वाटर. रूरल एरिया में वैसे नहीं है. देखो लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल सोर्सेस लाइक रिवर या लेक, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, जैसे कि फ्रॉम द वेल्स और फॉर बोर वेल्स. तो इससे जनरली क्या हम लोगों को देखने मिल रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज अ सिग्निफिकेंट फिनोमेना इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, और इससे क्या होना है, देखो आर्सेनिक कंटेमिनेशन के कुछ न्यूज़ हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पढ़े थे. मर्क्यूरी कंटेमिनेशन के भी कुछ न्यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं. मर्क्यूरी कंटेमिनेशन से कौन सा डिसीज होता है होमवर्क में पता ना, कौन सा इसके रिलेटेड कन्वेंशन आया था, जापान के रिलेटेड है. देखो हिंट के देख के रखता हूँ, इसमें भी देखना कौन सा डिसीज है जिसमें बहुत पेन होता है और उस पेन के रिलेटेड ही उसका नाम है, फनी नाम है, एक बार पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा. तो ये होमवर्क के लिए करके रखना, फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना. तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ग्राउंड वाटर लेवल इज आल्सो अलार्मिंगली डिक्रीजिंग. सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग, हेल्थ के एस्पेक्ट से भी एंड एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट से भी, इफ वी प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड, ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा एंड इससे बेनिफिट होगा हेल्थ को भी एंड एनवायरमेंट को भी. जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये पर्टिकुलर स्कीम रिसेंटली अनाउंस किया था. अभी फिलहाल इसका काम हम लोग यूज कर सकते हैं. तो नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज इज फोकसिंग ऑन अनदर एस्पेक्ट. द एस्पेक्ट इज बिकॉज इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ workers who have migrated to different types of urban settlements, they have returned to their hometowns or home villages. Now unko employment dena bahut zaruri hai. To ek cheez to government ne already kiya hai, that is related to MGNREG, national rural employment guarantee scheme. Usme kya kiya, unhone allocation bada diya in the budget of recent year
60,000 was allocated. Now they have added 40,000 to it and make it at 1,00,000 crore rupees for this particular scheme. But according to some, this is not going to be sufficient because lot of people have returned to their villages. So that needs a support from other governmental scheme. So ये जल शक्ति ministry का जो scheme है जल जीवन mission, इसका भी use कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए already about 10,000 crore rupees का allocation किया गया है. उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसमें और 12,000 crore rupees का दिया जा सकता है पैसा. और अगर आप देख सकते हो तो जो 60,000 crore rupees पंचायत राज के लिए allocate किए उसमें से उन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको कंडीशन डाला है कि 50% शुड बी allocated to the work related to water bodies and sanitation. Now ये तो इसमें water bodies में आता ही है. तो about we can say 50,000 crores are available when we are talking about Jal Jeevan Mission. And important thing that with respect to this is that if we see this returnee migrants are there, lot of states has done survey of जिसको हम बोलते हैं स्किल मैपिंग किया है और उसमें उन लोगों को समझ आया है कि जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स है मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन द फील्ड्स लाइक से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड प्लम्बिंग एंड अदर एक्टिविटी. तो इन लोगों को हम लोग पक्का यूज करके यहाँ पे ले सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग. उसके साथ साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में भी उन्होंने बनाया जो स्किल्ड मैन पावर है मेंशन से प्लम्बर से फिटिंग से इसके बारे में भी आप उसके यूज कर सकते हो. आगे जाते हैं देखो नेक्स्ट न्यूज पे एक न्यूज है. इट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल एज सेरोलॉजिकल सर्वे. अब ऐसे टाइप की जो कंसेप्ट है ये प्रीलिम में बहुत तरह पूछी जा सकती है इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है सेरोलॉजिकल सर्वे. तो जनरली व्हेन अ सर्वे इज कंडक्टेड ब्लड सैंपल्स आर टेकन एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट आर डेवलप्ड विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लड सैंपल और द ह्यूमन टू आइडेंटिफाई वॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन्फेक्टेड विद एनी पर्टिकुलर डिसीज. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वे. अभी थोड़ा सा बेसिक से आते हैं इसमें. बेसिक में क्या देखते हैं व्हेनेवर एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड विद एनी पर्टिकुलर डिसीज. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिर्फ कोरोना वायरस सार्स सीओवी टू का इन्फेक्शन हुआ है उस इंडिविजुअल को. द बॉडी स्टार्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन विच इज अ फॉरेन बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड हेंस द बॉडी डेवलप्स अ प्रोटीन विच आर एंटीबॉडीज. सो इफ वी डिटेक्ट द एंटीबॉडीज इन एनी पर्सन्स blood sample that means that that person was earlier faced or earlier infected with such type of infection. तो ये सर्वे करने के बाद पता चला है कि अगर हम लोगों को मतलब इन्होंने कुछ सैंपल सर्वे किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और उसका डेटा वो एक्सट्रापोलेट करके ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि एट द मंथ ऑफ मे व्हेन वी आर एक्चुअली इंडिकेटिंग 35,000 इन्फेक्टेड पर्सन्स if you would have extrapolated the same data it would have been 20 times more that is up to 7,00,000 infected person. to ye kyu ho raha hai to is news mein unhone nahi diya hai lekin hum logon ko pata hona chahiye ki in particular case of SARS-CoV-2 that is novel coronavirus that we call in general sense or covid-19 that is the disease that is caused by SARS-CoV-2 to isme about 70% of cases jo hai they are asymptomatic. Now this particular data varies. Some are saying 70%, 80%, 90%. Okay, but we will say about 2-3/4 of the people do not show any symptoms of infection. Hence, उन लोगों को पता ही नहीं चलता. Naturally, they will develop the antibodies against this particular virus, and they will get cure themselves. नीचे एक news आएगा जिसमें they are discussing about should the WTO's recent statement, one of the person in WTO made a statement that asymptomatic patients, कौन है asymptomatic patient जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि जिनको infection है लेकिन उनको कोई symptoms ही नहीं दिख रहे तो they cannot identify themselves also and their health practitioner also without doing any test कि this person particular person is infected. तो ऐसे जो asymptomatic patients है या asymptomatic जिसको आप बोलोगे infected persons है इन लोगों से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस कितना है. तो शुरू में उन्होंने WHO के जो पर्सन है उन्होंने बोला था कि इट इज़ वेरी रेयर दैट असिम्प्टोमेटिक पर्सन विल ट्रांसफर
और ट्रांसमिट डिसीज टू अनदर पर्सन, बट लेटर दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज से विड्रूड हिज स्टेटमेंट और से दैट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज नॉट कोटेड इन राइट सेंस एंड ही इज सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू सम डेटा द चांसेस आर लेस, प्रोबेबिलिटी इज लेस, बट इट इज नॉट, वी कैन नॉट से इट इज रेयर. तो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें देखनी, असिम्टोमेटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, सीरोलॉजिकल सर्वे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एंटीबॉडीज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें बेसिक कंटेंट क्या होता है. तो होमवर्क के लिए देख लेना, देखो बेसिक में जाएंगे बायोलॉजीज का पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज का, बॉडीज का आप बायोलॉजी पढ़ के आना, क्या होता है प्रोटीन्स होता है या कौन सा उसमें बेसिक कंटेंट होता है. आगे बढ़ते देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्लॉट्स एफसीए जीप स्ट्रेट डेस. तो बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि फियाट का जीप ब्रांड है, जीप आप लोगों को सबको पता होगा, उनका अभी एक नया कंपास जीप कंपास इंडिया में भी लॉन्च हुआ है. तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि महिंद्रा ने एक नया गाड़ी लॉन्च किया था 2018 में जो उनकी दूसरे एक गाड़ी का कॉपी है या उसका डिज़ाइन उसके साथ मैच होता है. तो दिस बेसिक थिंग इज ओके, बट वी नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर IPR इशू. IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में उन्होंने पूछा है और जिसके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछती है. तो कंसेप्ट इज ट्रेड ड्रेस. क्या होता है ट्रेड ड्रेस, देखो इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट आइडेंटिफाइज द लुक ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर. तो देखो इसका लॉजिक समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि कैसे है, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अनदर प्लेयर दैट इज योर कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो प्रोडक्ट डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच लुक्स वेरी सिमिलर टू यू, सो कस्टमर विल गेट कन्फ्यूज एंड इट मे हैपन दैट कस्टमर विल गो फॉर अनदर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज लुक अलाइक एंड हेंस हुएवर हैज डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर डिजाइन, उन्होंने अपना इंटेलेक्चुअल क्या किया था उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके लिए उन्होंने पेटेंट लिया होगा, तो यू आर इन्फ्रिंजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर IPR, तो दिस इज नॉट अलाउड. तो उसके लिए केस चल रहा है, वेन एवर दैट विल कम वी विल स्टडी, बट द पॉइंट इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए. होमवर्क में देखना कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, दो तीन में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, दो तीन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी क्या आप ढूंढ लेना. फर्स्ट इज दैट यू ऑल नो अबाउट इज अ ट्रेडमार्क, होता है कि नहीं. उसके बाद में क्या होता है, GI टैग भी हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है कि नहीं. तो ये दो तीन आप पता कर लो, और बाकी के 7-8 है, WTO के अकॉर्डिंगली है, इंडियन पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंगली भी है, तो ये थोड़ा सा देख लेना. इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग 21st का जो बैच शुरू हो जाएगा उसमें एक बार ले लेंगे. आगे जाते हैं, नाउ फॉर द प्रीलिम्स एस्पेक्ट वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज, इट इज टॉकिंग अबाउट रिकवरी ट्रायल्स. या क्या है रिकवरी ट्रायल्स, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुए थे, जो 5 ड्रग्स है, एक तो HCQ है उसमें, एंड बहुत जो एंटी मलेरिया ड्रग है एंड बहुत सारे हैं, उन जो पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग ड्रग्स है उसका कोरोना के वायरस पे क्या इफेक्ट होता है टू नलीफाई दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे. इसमें सिमिलर आपको याद होगा तो हम लोगों ने WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल भी पढ़ा था, है कि नहीं. तो उसमें हम लोगों को एक पढ़ने को मिला था कि HCQ हैज नॉट शोइंग एनी बेनिफिट ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन, हेंस सम ऑफ द कंट्रीज हैज ऑलरेडी स्टॉप दैट पर्टिकुलर ट्रायल. तो ये आपको पता होना चाहिए. नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज इज मोर ऑफ अ साइंस वाला न्यूज, बट इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे. वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज जेनोम सिक्वेंसिस. तो यहाँ पे नहीं लेते, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जेनोमिक्स नाम का. जेनोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ा था और जिसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन भी आए थे, प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे. तो ये टॉपिक है बड़ा, आधा पौना घंटा लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए. तो एक बार उसको करंट डिकोडेड बैच के लेक्चर में इसको डिटेल में ले लेंगे. फिलहाल आप याद रखना कि चिकनगुनिया जिस पर्टिकुलर इससे होता है वायरल से, उसका उन्होंने जीनोम सीक्वेंस किया है और उसके रिलेटेड कोई स्टडी उन्होंने किया है. तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, बेसिक टॉपिक ऑफ इट इन अवर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू.
ये वाला न्यूज देखो जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि WHO के पर्सन ने बोला था कि असिम्प्टोमेटिक पेशेंट डू नॉट और रेयरली स्प्रेड द डिसीज, तो उसके बारे में उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया। ये देखो ये एक्चुअली हम लोगों ने कल बहुत ही डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, अबाउट 45 मिनट्स वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड अदर इंडियन बॉर्डर्स एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो यू कैन सिंपली गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड देयर यू कैन फाइंड आउट द बिग लेक्चर दैट वॉज रिकॉर्डेड ऑन द 13 जून, और वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं क्या आया है आज। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा न्यूज़ आया है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट पेमेंट सिस्टम दैट वॉज डेवलप्ड और स्पॉन्सर्ड बाय RBI फ्यू ईयर्स एगो इन इंडिया। उसके लिए नेशनल पेमेंट और इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था, और फिर उसके बाद में वी हैव डेवलप सम ऑफ द टेक्निक्स लाइक CTS लाइक चेक ट्रंकेशन सिस्टम या NEFT या UPI। आप लोग सभी आपको UPI वगैरह आजकल यूज करते हो, गूगल पे जो यूज करते हो, GPay वो UPI ही टेक्निक यूज करता है। तो इंडिया में तो नाउ इट हैज़ वी कैन से डेवलप्ड प्रिटी गुड, पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, इट इज़ वेरी ईजी टू यूज एंड इट इज़ वेरी वेरी लो कॉस्ट, इट इज़ अ वेरी वेरी चीपर मेथड that has been employed by our organizations. So some of the countries are also in requesting this low cost payment systems to be implemented in their particular region. So RBI is also studying this particular proposal. So what will be the advantage if RBI accept this particular thing? So one more most of the important advantage is that RBI will go global. Matlab RBI is not as a bank, but we will say that इंडियाज पेमेंट सिस्टम जो है जो अभी तक सिर्फ इंडिया में ही हम लोग यूज़ करते हैं या थोड़ा सा भूटान के साथ यूज़ करते हैं, नेपाल के साथ वन वे यूज करते हैं, तो इफ़ इट गोज सपोज इन अफ्रीकन कंट्रीज भी इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग और से इन गल्फ कंट्रीज भी इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर थिंग, सो थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन द गल्फ एंड सेंडिंग बैक द रेमिटेंसेस टू इंडिया, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, इंडिया का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से रुपये आपने इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे अभी मास्टर कार्ड है या वीज़ा है या अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो वैसे रुपए भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा एंड इंडिया विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज इफ़ इंडिया प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस अकॉर्डिंगली RBI स्टडी कर रही, कर सकते नहीं कर सकते। तो आज की न्यूज़ के डिस्कशन में इतना ही है, तो एज वी डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट डेली करंट अफेयर्स डिकोडेड लेक्चर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर डेली करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन वॉज टू कीप यू ऑल इन टच विद द करंट अफेयर्स इन द लॉकडाउन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अर्लियर वी वेयर हैविंग द क्लासरूम ऑफलाइन वाला बैच, सो सडनली लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो आई डू नॉट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू लूज ऑन देयर प्रिपरेशन, तो इसीलिए शुरू किया था, बट इट्स ओके नाउ एवरीबडी एवरीथिंग हैज सेटल्ड, वी हैव डेवलप्ड अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, so we can simply connect on the online platform and we will continue our batch that is going to start on the 21st of June, that is next Sunday. Iska procedure, admission procedure vagera shuru hai, iske bare mein jo bhi detail aapko information chahiye, I will put that particular information on the description box in today's video, aur fir aap wahan se wo information collect kar sakte ho. तो ठीक है फ्रेंड्स, इट वॉज अ वेरी हैप्पी जर्नी विथ यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड डोंट वरी, वी विल कम बैक टू यू ऑन द यूट्यूब वीडियोज एज वी यूज टू रिकॉर्ड लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज इन अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, बट दैट विल बी मोर ऑफ अ टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स एंड विट नॉट बी अ डेली बेस्ड करंट अफेयर्स, बिकॉज दैट इज वी आर गोइंग टू डू इन अवर बैच। तो टॉपिक वाइज कुछ कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेके आपके पास आएंगे, वो आप यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे चैनल पे एंजॉय कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू, बाय बाय।